बच्चों, एक मरतबा जो है हमने जो अल्फाजों को समझे उसे मैं रिविजन करना चाहता हूँ, दोहराना चाहता हूँ, आप भी दोहराइए। जैसे कि गार्डन, गेट, गर्ल्स और गोल्ड, ये जी से शुरू हुए थे। जीप, जोकर, जार और जैकेट, ये जे से शुरू हुए थे। तो प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जो है के और क्यू से बनने वाले अल्फाज को समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, कंगारू। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का एक कौमी जानवर होता है, कंगारू, दिस इज कंगारू। प्यारे बच्चों, की, दिस इज की यानी चाबी। बाइक की, घर के तालों के लिए हम जो ताला खोलने के लिए जो चीज इस्तेमाल करते हैं उसे चाबी कहते हैं, की। तो ये कैसे शुरू होता है, की। दिस इज काइट। प्यारे बच्चों, काइट यानी कि पतंग। पतंग जो आप लोग उड़ाते हैं उसका लुत्फ अंदोज होते हैं, अपने साथियों के साथ पतंग बाजी करते हैं, तो प्यारे बच्चों का आइडिया नहीं पतंग, दिस इज किटन। प्यारे बच्चों, जो बिल्ली का जो बच्चा होता है उसे किटन कहा जाता है, किटन यानी कि छोटा सा बच्चा। तो ये कैसे शुरू होता है, किटन यानी कि बिल्ली का बच्चा। अब आगे हम बढ़ते हैं किंग। प्यारे बच्चों, किंग यानी कि बादशाह, राजा। आपने राजा महाराजा की कहानी सुनी होंगी, दिस इज किंग। किंग यानी कि बादशाह। दिस इज क्वीन यानी कि रानी। दिस इज क्यू। आपने देखे होंगे कि बस वगैरह की कतारों में या स्कूलों में हम लोग जो है कतारों में खड़े रहना पड़ता है प्रेयर के लिए, दुआ के लिए, तो उसे क्यू कहा जाता, जो लेटर क्यू से शुरू होता है। क्वेश्चन यानी सवाल या मार्क्स। दिस इज क्वेश्चन यानी हम सवाल किसी से पूछ रहे, आपका नाम क्या है, आप कहाँ पर रहते हो। तो प्यारे बच्चों, हमने जो आज जो अल्फाज सीखे है आप प्लीज दोहराइए। समीर आप भी दोहराइए, यासिन आप भी दोहराइए। यस, K for kangaroo, K for key, K for kite, yes, K for kitten, K for king, Q for queue, K for queen, and last का जो है Q for question mark, यानी सवाल निशान। शुक्रिया।